अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सरफराज आलम और आप देख रहे हैं इस्लामिक ज़िक्र। नाज़रीन, आज हम आपको ऐसा वाक़या बताएंगे जिसमें कब्र के अंदर बच्चे की पैदाइश हुई। नाज़रीन, ये बहुत ही खौफनाक और बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या है जिसको आप सुनेंगे तो बहुत ही हैरानी होगी नाज़रीन। लेकिन अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं रोज़ाना इस्लामिक ज़िक्र पर आपकी खिदमत में आता रहता हूं। आप मेरा सपोर्ट किया करें जिससे मैं आगे बढ़ूँ, तो मैं आपकी हमेशा हमेशा खिदमत करता रहूँ। तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या बताएंगे जिसमें कब्र के अंदर बच्चे की पैदाइश हुई। नाज़रीन, ये वाक़या अफ़गानिस्तान का है कि एक शौहर सऊदी अरबिया रहता था और उसकी बीवी वह अफ़गानिस्तान में रहा करती थी। नाज़रीन, वो उसके शौहर हमेशा 2 साल 1.5 साल पर आया करता था। नाज़रीन, एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो जब अपने और जब भी आता था तो जब भी अपने घर आता था तो जब घर से बाहर परदेश निकलता तो सूरह यासीन वगैरह हर चीज़ पढ़कर दुआ कर घर से बाहर निकला करता था। नाज़रीन, उसकी ज़िंदगी का यही मामूर था कि जब भी कहीं भी जाया करता था तो वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करके निकला करता था, अपने घर वालों के लिए और अपने लिए, अपने रोज़ी रोज़गार के लिए, हर चीज़ के लिए वो दुआ करके निकला करता था। नाज़रीन, बहुत मुद्दत गुज़र जाती है और उसको औलाद नहीं होता, यानी कुछ साल गुज़र जाता है उसके बाद भी औलाद नहीं होता। नाज़रीन, ऐसे ही एक दिन जब वो अपने देश में वापस आया, अपने घर वापस आया, कुछ दिन रहा, तो अल्लाह के फजलो करम से उसको खुशखबरी मिली कि उसका औलाद होने वाला है। नाज़रीन, औलाद होने की खुशी में वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करता है अपने औलाद के लिए कि अल्लाह सही सलामत इसे दुनिया में भेज दे। लेकिन नाज़रीन, कुछ ही दिनों का वो पेट में ही रहता है, लेकिन उसको विदेश जाने का यानी सऊदीया जाने की का फ़्लाइट का टिकट आ जाता है। नाज़रीन, उसको बुलावट सऊदीया का आ जाता है, तो वो जब घर से बाहर निकलने लगता है तो अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करते हुए और दुआ करता है, ए अल्लाह, जो मेरा औलाद होने वाला है तो उसकी हिफाजत करना। नाज़रीन, उसकी हिफाजत करना, इसी लफ्ज़ पे आप केयर कीजिएगा। नाज़रीन, वो दुआ यही करता है, अल्लाह, जो मेरा औलाद होने वाला है उसकी तू हिफाजत करना, और उसके बाद चला जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे सिर्फ दुआ मांगा था औलाद अल्लाह के लिए, अल्लाह के हवाले करके गया था, तुम्हारे हवाले करके और उसकी हिफाजत के लिए दुआ मांगा था। इत्तफाक से उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता है। नाज़रीन, फिर वो रोता रोता वहाँ से आता है अफ़गानिस्तान, यानी अपने देश में आता है। जब आता है तो बहुत ज़्यादा हैरत हो कि बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत मुद्दतों से औलाद नहीं हुआ था और उसके बाद होने वाला था तो उसकी बीवी का ही इंतकाल हो गया। नाज़रीन, बहुत परेशान होते रोते रोते वो बहुत बेचैन हो जाता है। उसके बाद उसकी बीवी को दफना दिया जाता है, कब्र में रख दिया जाता है। कुछ महीना गुजरने के बाद नाज़रीन, कुछ महीना के गुजरने के बाद कब्र से बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी, रोने की आवाज़ आने लगी, कब्र से बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। लोग वहाँ की आवाज़ जब बच्चे की सुनते तो घबरा जाते कि कब्र के अंदर से ये रोने की आवाज़ कैसी आ रही है, यानी ये बच्चा कैसा रो रहा है, यानी जो औरत इंतकाल हो गई है वो तो औरत थी, बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। गांव वाले लोग बहुत ही परेशान हो गए और बहुत ही डर गए कि ऐसा मामला क्यों आ रहा है। पहले लोग दुआ मांगे, फिर भी कुछ असर नहीं हुआ। उसके बाद वो लोग वहाँ के इमाम को बुला कर लेकर आए, इमाम साहब को, कि कब्र से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। इमाम साहब जब वहाँ पर जाते हैं तो वाकई में बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। इमाम साहब ने कहा कि अभी एक कुछ देर तक रुक दिया जाए कि देखा जाए कि कितनी देर तक आवाज़ आती है। बच्चे की आवाज़ आती रही, लगभग 2 दिन गुजर गया। उसके बाद इमाम साहब ने हुक्म दिया कि कब्र को खोदा जाए। कब्र को जब खोदा गया तो देखा गया बच्चे एक
नन्ना बच्चा छोटा बच्चा है जो कब्र के अंदर अपने माँ के सीने से लपट कर रो रहा है। नाज़रीन, ये देखकर मामला देखकर लोग बहुत ही परेशान हो गए, हैरान हो गए कि ये मामला क्या है, कब्र के अंदर बच्चे कैसे पैदा ले सकता है। उसके बाद उस बच्चे को उठाया गया और घर लेकर आया गया। बाप लेकर घर पे आता है, उसके बाद वहीं पे आता है और दुआ करता है अल्लाह। उसको जब याद आता है, ए अल्लाह कि हमने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना, यानी अल्लाह ने बच्चे की हिफाजत की है, बच्चा अभी अल्लाह की हिफाजत में था तो वो पैदा हो गया। उसके बाद उसका शौहर बहुत रोने लगा, ए खुदा जब तुम एक बच्चे को हिफाजत में रख लिया, ए खुदा इसकी परवरिश कौन करेगा जब इसकी माँ दुनिया में ना रहेगी, तो ए खुदा इसकी परवरिश, इसकी ज़िम्मेदारी और इसका हर चीज़ कौन करेगा अदा, ए खुदा हिफाजत इसकी माँ का भी कर देता तू। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में उसकी दुआ फिर कबूल हो जाती है। अल्लाह फिर से उस औरत को ज़िंदा कर देता है जो औरत कब्र के अंदर मर चुकी थी, यानी दुनिया से जा चुकी थी, रुखसत हो चुकी थी, इंतकाल हो चुकी थी, वो फिर से ज़िंदा हो जाती है और अपने बेटे को सीने से लगाकर। ये मामला देखकर लोग हैरान हो गए और अल्लाह की शान में हम्द व सना करने लगा है कि अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। अल्लाह जिसे चाहे ज़िंदगी दे सकता है, जिसे चाहे मौत दे सकता है। खुदावंदे कुद्दूस की शान बहुत बड़ी है। इससे बहुत ही नसीहत आमेज़ सबक ये है नाज़रीन कि हमें कहीं भी और कहाँ भी जाना पड़े, जहाँ भी जाना पड़े, अल्लाह की बारगाह में कुछ पढ़ कर हम्द व सना अल्लाह का कर कर उसके बाद दुआ मांग कर कहीं निकलना चाहिए, तो उससे आपकी हिफाजत और आपके घर वालों की हिफाजत होती रहेगी। नाज़रीन ये बहुत ही अच्छा वाकया है, इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जाने। और दुआ मोमिनों की हथियार है तो दुआ मांगते रहें, उसके ज़रिया आप भी सवाब पाएंगे और हमें भी सवाब मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।